फूलों का तारों का ये सबका कहना है, 1,000 में जो मेरी बहना है। फूलों का तारों का ये सबका कहना है, 1,000 में जो मेरी बहना है। पापा से मेरी इक्की दो दो वो लगाती थी, कपड़े पहन मेरे वो कॉलेज अपने जाती थी, बातें बनाती थी वो रॉब खूब जमाती थी, छोटी है मुझसे पर मुझको डर आती थी, मुझको पढ़ाया किसने क्या कब कहना है। 1,000 में वो मेरी बहना है, पापा का मम्मी का ये सबका कहना है, 1,000 में वो मेरी बहना है। फटे चप्पल मेरे नए जूते सारे जिसके, नोकिया का फोन मेरा गाने पर थे उसके, रिकी मार्टिन माइकल जैक्सन अंकल जैसे इसके, गॉसिप सुनाती थी वो जाने किसके किसके, पैसे मेरे वो जाने कब क्या कब लेना है, पैसे मेरे वो जाने क्या कब लेना है। 1,000 में वो मेरी बहना है, पापा का मम्मी का ये सबका कहना है, 1,000 में वो मेरी बहना है। सिगरेट दारू सुट्टे सारे शौक जिसने लगवाए, दिल में थे मुझे चांद तारे जिसने दिखलाए, कॉपी छुपाना स्कूल बस से गिराना मेरे बॉयफ्रेंड को था इसे आंखें बस दिखाना, मेरे हसन मसले से इसे लेना देना है। 1,000 में वो मेरी बहना है, पापा का मम्मी का ये सबका कहना है, 1,000 में वो मेरी बहना है। थी मैं साइकिल की पिछली सीट पे रही, इसने झूला झुलाया मेरी चीख निकली, जो ये झूठ मूठ पड़े तो मैं उफ ना करूं, जो ये कांड भी करे तो मैं बुत सी रहूं, इसके सारे सितम मुझे क्यों हंस के सहना है। 1,000 में वो मेरी बहना है, पापा का मम्मी का ये सबका कहना है, 1,000 में वो मेरी बहना है। मुझे इसने बनाया जैसी अब मैं दिखूं, कैसे कपड़े में पहनूं कैसे बाल रखूं, मेरे बचपन की वो तस्वीर सजाई, मेरी बहना थी संग मेरे जिसमें आई, मेरी जिंदगी का सबसे ये महंगा गहना है, 1,000 में वो मेरी बहना है, पापा का मम्मी का ये सबका कहना है। अब घर है बसाया तो तू खुश रहना, तेरे सारे गमों को तू मुझे दे देना, वैसे बोलूंगी नहीं तुझे मैं ये रब से कहूं, मैं हर जन्म में तेरी बहना बनूं, मुझे जिसने बनाया उसे बस ये कहना है, 1,000 में वो मेरी बहना है, पापा का मम्मी का ये सबका कहना है, 1,000 में वो मेरी बहना क्या है। बहुत खूब बिल्कुल। लाइक आई ऑल्सो हैव टू डॉटर्स ना, तो दोनों की भी उनकी कहानी लग रही है बिल्कुल। मैंने दे वही कहा सर, आर जिसकी सो बहनें हैं क्लोज वो टू ईच सिलेक्ट अदर कर ना। जाएंगी। यस दे आर नाइस सो दिस। क्लोज टू ईच अदर, बोथ सिस्टर्स दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। तो एग्जैक्टली जिस तरीके से तुम सुना रही थी एंड द रैप, ओहो ग्रेट। निरंजन जी कैसा हाँ लगा क्या आपको एक, रैप? अरे फैंटास्टिक। समटाइम्स वंडरिंग एट व्हाट स्पीड हर माइंड इज वर्किंग, यू नो इट्स मेकिंग मी फील बिट ओल्ड। फैंटास्टिक। यू नो व्हाट कविता, यू नो व्हाट यू शुड डू इज यू हैव गॉट अ गिटारिस्ट नियर बाय, I got a ऑफ कोर्स लैंड द guitarist. I should ओके, have planned व्हाट यू like शुड डू this. इज, व्हाट यू शुड डू इज कंबाइन विद देम, यू नो, एंड इट विल साउंड सो नाइस। ओके ask him to give a beat, Vansh can do it, ask him to send you a beat and you sing over it, I can tell you this will, and record it and for eternity you'll feel, you know, it will sound so nice. What an idea sir. Vansh वाकई में yeah मैंने 2 rap poetry लिखी थी, करते हैं साथ। it's yeah, you just send him a small clip, he will take the key of that your voice and you know make the chords, you know, so and you sing over it. It will sound very, very nice. Very nice, very nice. Thank Beautiful. you, thank Vansh? मुझे तो बहुत अच्छी लगी सुनने में, फ्लो ही इतना डिफरेंट था इस वाली का, यू हैव अ सिस्टर लेकिन ब्रदर हाँ जी। सिबलिंग एनी यू कैन रिलेट। वाह, आप सॉरी क्वेश्चन पूछ रहे थे? आई सेड डू यू हैव अ सिबलिंग ब्रदर और नो सिस्टर। नहीं, मेरा नहीं no. हाँ जी, लेकिन हाँ जी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी पोएम, स्पेशली आप ऐसे एक दो, ये काफी डिफरेंट थी, मैंने ऐसे किसी को नरेट करते हुए नहीं सुना इतनी थोड़ी इससे, क्योंकि और ये टोन के साथ काफी जा रही है पोएम की, और जो स्टाइल ऑफ नरेशन है वो भी काफी जॉयस पॉम्पस है थोड़ा सा, तो काफी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू मच गिलो जी। जी। कविता, आपका जो फ्लो है और
आप जिस ईज से अपनी पोएम सुनाते हैं, मैं यही सोच रही थी कहीं तो फंबल होंगी, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे फ्लो में और इतने इंटरेस्टिंग वे में सुनाया कि मुझे भी अपना जो है ब्रदर्स के साथ जो रिलेशन है, जो सिबलिंग रिलेशन होता है, वो एक अलग ही होता है, वो लाइफ लॉन्ग आपको याद आता रहता है आपने जो इतना चाइल्डहुड अच्छा स्पेंड किया. तो वंश इज अ सिंगल चाइल्ड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ सारे रोल्स प्ले करूँ, मदर का भी, सिबलिंग का भी. बट आई ट्रूली लाइक योर पोएम. तो थैंक यू राकेश जी. कविता, आपकी जो स्टाइल है रैप में, जो आपने जो कविता सुनाई है, आई थिंक ये सिर्फ आप ही कर सकती है. बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था, रियली एंजॉयड इट. और मैं दो बातें और बोलना चाहूंगा कि एक कोटेशन है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने भी इसको व्हाट्सएप पे बहुत सर्कुलेट किया है, जो ये बोलता है कि यदि आपके पास एक अच्छी बहन या अच्छा भाई है तो आप सही मायने में अमीर हैं. एक अच्छा भाई या अच्छी बहन है तो सही मायने में आप अमीर हैं. दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहन भले वो छोटी हो या बड़ी हो, बहन की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि यदि भाई गलत रास्ते पे निकल गया, कुछ गलत कर रहा है और वो किसी की नहीं सुन रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है, सुधर नहीं रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका, ऐसा कहा जाता है, उसकी बहन को जाके बता दो. और जब उसकी बहन समझाएगी, जो इम्पैक्ट उसकी बहन को समझाने का आएगा, उससे अच्छा इम्पैक्ट माँ बाप भी नहीं दे सकते. माँ बाप भी नहीं समझा सकते हैं भाई को, जो एक बहन समझा सके. वो रिश्ता ही ऐसा होता है भाई और बहन का. तो आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त की है अपनी पोएम में, एंड आई रियली एंजॉयड योर पोएम. थैंक यू. Thank you so much, sir. Mahija ji, unmute karo. Kavita ji, way of narrating was very fantastic. बहुत अच्छा आपने narrate किया और मतलब इतना अच्छा flow था. एक हजारों में मेरी बहना है और आपने उसके अंदर कितना उससे love करते हैं, इस poem के से आपने उसको बताया है कि भाई मैं इतना प्यार करती हूँ तुमसे. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा. थैंक यू सर. थैंक यू कविता.